हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी महानवमी दोस्तों। तो ये महानवमी का वीडियो है, काफ़ी टाइम बाद मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। किसी काम में बिजी चल रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं व्रत के लिए बना रही हूँ आज आलू और सिंगाड़े का आटा होता है उसकी पकौड़ियाँ। तो यहाँ मैंने 5-6 आलू लिए थे मोटे मोटे, तो जिनको मैंने पतला पतला थोड़ा लंबाई में काट लिया है। तो सबके लिए मैं आज पकौड़ी बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद है मेरे घर में पकौड़ियाँ। डिनर नहीं बनाऊँगी आज बिल्कुल भी, आज सब पकौड़ी खाएंगे घर में। तो सारे आलू हम परात में डाल लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा। आप ये पकौड़ियाँ ना क्या कहते हैं कुट्टू के आटे से भी बना सकते हैं। मैं इनको ना कुट्टू के आटे से ही बनाती थी पकौड़ियों को, लेकिन आज मुझे कुट्टू का आटा नहीं मिला इसलिए मैं इनको सिंगाड़े के आटे से बना रही हूँ। तो किसी से भी आप बना सकते हैं पकौड़ियाँ। तो तेल गर्म होने के लिए रख दिया मैंने गैस पर पकौड़ी बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे सारे व्रत वाले मसाले जो कि हम व्रत में खाते हैं। सेंधा नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च पीसी हुई। आप इसमें ना बारीक काट कर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अगर आप दोस्तों बिना व्रत के बना रहे हैं ना पकौड़ी, तो आप अपने मनपसंद मसाले डालकर भी बना सकते हैं ये पकौड़ियाँ। अब इसको ना देखो आपको सूखा सूखा लग रहा होगा ये आटा, तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। इसको मिक्सर को ना थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, तभी ये ना थोड़ा सा आलू में लिपट जाएगा आटा, नहीं तो ये सूखा सूखा ही लगेगा। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो देखिए हमने मतलब मिक्सर तैयार कर लिया पकौड़ियों का, तेल भी हमारा गर्म हो गया मीडियम फ्लेम पर। तो मैंने पकौड़ी तलने के लिए ना यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। आप ना अगर व्रत में क्या कहते हैं मूंगफली का तेल या क्या कहते हैं घी, रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं, किसी में भी आप ये पकौड़ियाँ तल सकते हैं। अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप किसी भी तेल में फिर इनको तल सकते हैं पकौड़ियों को, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे सिंगाड़े के आटे की। आप ना ये पकौड़ियाँ क्या कहते हैं कभी भी बनाकर खा सकते हैं बिना व्रत के, यानी कि आपका व्रत हो तभी बनाएंगे, आपके बिना व्रत के भी पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं। अलटते पलटते आप सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। आप इनको वैसे हरे धनिए के साथ, चाय के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और क्या कहते हैं जैसे खीरे का रायता बनता है ना व्रत में, आलू का रायता, उससे भी आप इनको खा सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ना बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि दही में तड़का लगा देते हैं ना जीरे का, वो उससे ही खाते हैं सभी पकौड़ियाँ, और सबको बहुत पसंद है मेरे घर में। लो बेटा, तो आज यामिनी का फास्ट है तो उसके लिए मैंने बनाई है सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी। कैसी लगी बेटा? बहुत डिलीशियस। उसके साथ में हमने बनाया है रायता सिंपल सा तड़का लगा के जीरे का, और ये है सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी आलू की। आप लोग भी खा लीजिए आकर। तो ये है यामिनी, मेरी बड़ी दीदी की लड़की, जो कि मेरी बड़ी दीदी हल्द्वानी में रहती है, और यामिनी ना नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रही है मास्टर्स की। तो इसका आज फास्ट है, नवमी वाले दिन ना ये फास्ट रखते हैं इनके यहाँ पर, और कंज के करने के बाद ना शाम को फास्ट खोलते हैं। तो देखिए सारी ना सिंगाड़े के आटे की पकौड़ियाँ बनकर तैयार है, आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा लीजिए। तो आपको मैं ना कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ मेरी बेटी के कॉलेज की, गरबा नाइट का प्रोग्राम होता है मेरी बेटी के कॉलेज में, तो सब लोगों ने खूब इंजॉय करा था। मेरी बेटी ने को गरबा नहीं आता था, लेकिन उसने ना स्पेशल ना इस गरबा नाइट के लिए गरबा सीखा था। तो आप लोग भी ना इंजॉय करिए मेरी बेटी के कॉलेज का गरबा नाइट। तो आप लोगों का अगर मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों को ये पहचानना है कि इनमें मेरी बेटी कौन सी है। आप ज़रूर जानते होंगे अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी बेटी को पहचानना आप लोगों का क्वेश्चन यही है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मेरी बेटी इनमें से कौन सी है। तो देखिए खूब इंजॉय कर रहे हैं सब कॉलेज के बच्चे गरबा नाइट। तो उसने मुझे कुछ क्लिप्स भेजी थी जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी और उनका बच्चों का गरबा कैसा लगा आपको। मेरी बेटी ने तो पहली बार गरबा कराया, सीखा था उसने फिर कराया गरबा। दोस्तों ये है अगला दिन विजयदशमी का, आप सब लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग शाम के टाइम आ गए, बल्कि शाम क्या रात ही हो रही है, बाहर घूमने के लिए आए थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, मन करा था कुछ खाए पिया जाए। तो दशहरा तो हम लोग देखने नहीं गए, दशहरा मेला लगता है आसपास यहीं पर, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, बहुत धक्का मुक्की और बहुत ज़्यादा भीड़, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए घूमने के लिए, थोड़ा खाने पीने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। तो किस किस को गोलगप्पे पसंद है मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स बॉक्स में लिखकर। तो यहाँ हम खा रहे हैं सूजी के गोलगप्पे, हमारे घर में सूजी के गोलगप्पे सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए मैं अपना वीडियो खुद ही बना रही थी, कोई मेरा वीडियो नहीं बना रहा था। तो आप आ गए यहाँ पर गोलगप्पे खाने के बाद हम यहाँ लोग खाएंगे पाव भाजी। तो यहाँ पर वेट हो रहा पाव भाजी का, तो मैं खड़ी हूँ स्टॉल पर पाव भाजी के, पाव भाजी लेने के लिए। तो देखिए गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है सबके लिए, सबको बहुत पसंद है पाव भाजी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पाव भाजी पसंद ना होगी। और यहाँ पर जो हमारे ये मिलन है ना रेस्टोरेंट, इसकी तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, मतलब कि आपको यकीन नहीं आएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कोई भी खाना खा लो आप इनके यहाँ का, तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ पाव भाजी, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। तो पाव भाजी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो हमने खाया यहाँ पर पेस्ट्री, चॉकलेट वाली पेस्ट्री। तो मेरे घर में चॉकलेट के चॉकलेट पेस्ट्री ये सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इंजॉय करना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ज़्यादा। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।